एवरीवन, वेलकम टू अनुराधा चैनल। राजमा चावल तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन आज मैं राजमा के साथ शलगम डाल के बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंट सा लग रहा होगा, लेकिन ये राजमा शलगम की सब्ज़ी हमारे जम्मू कश्मीर में विंटर्स में ख़ास तौर से बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होती है। तो कैसे बनती है ये सब्ज़ी, ये देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलें मिलकर बनाते हैं राजमा शलगम की ये टेस्टी सब्जी। यहाँ पर मैंने ली हुई है 2 कटोरी राजमा। ये राजमा जो है ये जम्मू के भद्रवाह की राजमा है। तो सबसे पहले मैं राजमा को 2 बार अच्छे से पानी से धो लेती हूँ। तो राजमा को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए आप, मैंने इतना पानी डाला है इसमें। और इसके बाद हम इसमें साथ में ही डालेंगे नमक। नमक मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। तो इसी राजमा को हम रात भर के लिए ढक कर रख लेंगे और सुबह हम ये राजमा बनाएंगे। तो रात भर राजमा को भिगोने के बाद हमारी राजमा जो है आप देख सकते हैं थोड़ी सी फूल गई है, सॉफ्ट तो अभी नहीं हुई है। तो सॉफ्ट होने के लिए हम इसे अब गैस पे रख देते हैं बॉयल होने के लिए। तो यहाँ मैंने राजमा को गैस पे चढ़ा दिया है। जैसे ही 1 विसल आएगी तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट तक इसी तरह से प्रेशर कुकर में ही बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेशर का ढक्कन खोल के कि राजमा हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखिए राजमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो इसे रख लेते हैं अब हम साइड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं राजमा के साथ शलगम डाल के बनाने वाली हूँ, शलगम जिसे टर्निप भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और ये शलगम है 5 शलगम, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और ये 1 पिंच टुकड़ा अदरक का और लहसुन लिया हुआ है, और साथ में लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम राजमा के लिए मसाला बनाना। और यहाँ मैंने एक पैन में लिया है 1 कड़छी के करीब ऑयल, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे हुए हैं, प्याज के साथ में ही हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो हमेशा मैं घर में फ्रेश अदरक और लहसुन को कूट कर ही रेडी करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सब्ज़ी जो है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए डाल लेते हैं साथ में ही अदरक और लहसुन, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 मोटी इलायची। देखिए आज तो मैं शलगम डाल के बना रही हूँ, तो शलगम मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ इस तरीके से काटे हुए हैं। इनका जो स्किन है शलगम का वो नहीं उतारा है, ऐसे ही रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो शलगम है इसे भी हम प्याज के साथ में ही डाल लेंगे। जैसे जैसे प्याज फ्राई होगा तो शलगम भी सॉफ्ट होते जाएंगे और प्याज के साथ फ्राई हो जाएंगे। गैस की फ्लेम आप लो टू मीडियम रखें। तो इस प्याज और शलगम को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लग सकता है, और आप बीच बीच में इसे हिलाते भी रहें।
तो यहाँ देखिए प्याज जो है अच्छा गोल्डन कलर का हो चुका है, शलगम भी सॉफ्ट हो रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। ये दो टमाटर मैंने मिक्सी में ने ग्राइंड किया है, तो ये डाल लेते हैं। अब गैस की फ्लेम हम हाई कर लेंगे और 2 मिनट तक टमाटर को भी शलगम और प्याज के साथ हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर भी, और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। आप में से शायद कई लोग होंगे जिन्होंने राजमा शलगम नहीं खाई होंगी, लेकिन हमारे नॉर्थ में, हमारे जम्मू कश्मीर में राजमा के साथ विंटर में शलगम ज़रूर डाले जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और चलिए अब हम डालते हैं मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो पहले हम लाल मिर्च और हल्दी को मिक्स कर लेते हैं। और अब बाकी के मसाले भी डाल लेते हैं। नमक मैंने इसमें पहले ही डाला हुआ था बॉईल करने के समय, तो नमक हम अभी नहीं डालेंगे। और ये सौंठ पाउडर मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और साथ में हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून, और साथ में ही गरम मसाला भी हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब डाल लेते हैं। तो चलिए अब हम सारे मसालों को शलगम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब मैंने मीडियम कर ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी डालने से हमारे जो मसाले हैं अच्छे से कुक होते हैं, जलते भी नहीं हैं। तो बस अब इसी तरीके से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं सभी मसालों को। तो यहाँ पे राजमा के लिए जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं राजमा की ओर। और यहाँ पर आपको मैं दिखा चुकी थी कि हमारी राजमा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब हमने अपनी जो हमारी कड़छी है इसकी बैक से कुछ इस तरीके से हम हल्का हल्का हमने राजमा को मैश करना है। पूरी तरह से मैश नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे इस तरीके से मैश करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये ऐसे इस तरीके से हम इसे मैश करेंगे, इससे जो राजमा की ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए अब हमने गैस ऑन कर ली है। राजमा वाला प्रेशर जो है मैंने फिर से गैस पे चढ़ा दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये शलगम वाला मसाला। तो ये राजमा के बीच में हम डाल लेते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि राजमा जो है काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें अभी हमें थोड़ा सा पानी डालना है।
जैसी ग्रेवी रखना चाहते हैं, जितनी थिक रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से ही पानी डालें। तो मुझे अभी भी जो ये इसकी ग्रेवी है थोड़ी थिक लग रही है, क्योंकि अभी हमने इसे बॉयल भी करना है फिर से और एक विसल भी देनी है। तो थोड़ा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं अब ये एकदम परफेक्ट बन गई है। तो अब हम एक बॉयल आने के बाद जो ये हमारा प्रेशर है इसकी लीड बंद करेंगे और एक विसल फिर से आने के लिए रखेंगे इसको राजमा शलगम को, क्योंकि एक विसल देने के बाद जो शलगम है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और राजमा में आ चुका है अच्छा सा बॉयल। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके बाद हम कुकर की लिड लगा लेंगे और जैसे ही एक विसल आएगी तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम प्रेशर की लीड खोल के देखते हैं कि हमारी राजमा शलगम की सब्जी कैसी बनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। और आपको मैं दिखा सकती हूँ ये जो शलगम है ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको काट के दिखाती हूँ शलगम। तो ये देखिए आप, ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखें ये शलगम भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस एक मिनट से ज़्यादा प्रेशर नहीं दें, नहीं तो जो शलगम है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए सर्व करते हैं इसे खाने के लिए। और अब ये अगर आपको अभी इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी पतली लग रही है तो आप इसे और बॉयल नहीं करें, क्योंकि जैसे ही ये ठंडी होती जाएगी ये और ज़्यादा थिक होती जाएगी। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए रेडी हो चुकी है खाने के लिए ये यम्मी सी सब्ज़ी, लेकिन अभी ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें डालेंगे राजमा में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देसी घी हमने इसमें डाल दिया और ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है सब्जी। बस अब आप राइस बनाइए और राइस के साथ ही सब्जी का मज़ा लीजिए। तो साथ में हम इसमें डालते हैं ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमारी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए ये यम्मी राजमा और शलगम की सब्जी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अनुराधा चैनल।